ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला ये जो मंथ है यानी कि मई मंथ, आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट एंड सॉरी फॉर माय वॉइस, एक्चुअली आई एम हैविंग अ लिटिल कोल्ड हियर। सो लेट्स फाइंड आउट और देखते हैं कि एरीज के लिए ओवरऑल एनर्जी पहले चेक कर लेते हैं, हाउ इट्स गोइंग टू बी। एरीज ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ मे। ओ माई गॉड, वी हैव अबंडेंस कार्ड हियर, सो बी प्रिपेयर्ड एरीज। अबंडेंस इज कमिंग। अबंडेंस किसी भी वे में हो सकती है, वेदर इट्स अबाउट रिलेशनशिप, करियर, इन एनी वे। ठीक है, अच्छा टाइम, इट्स जिसको हम सिंपल भाषा में बोले कि अच्छा टाइम। वी आर गेटिंग नंबर 3। सो लाइक आई थिंक यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड ऑफ कोर्स लाइक फियरलेस ऑल्सो कमिंग इन टू योर पावर। सो मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ लाइक अपॉर्चुनिटीज या ओवरऑल इट्स अबाउट सक्सेस, हैप्पीनेस, ठीक है, वो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ मे। सो सीम टू बी अ गुड एनर्जी। लव लाइफ की बात कर लेते हैं एरीज के लिए, हाउ योर लव लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक। पहले आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। इट्स अबाउट, अगर अभी लव लाइफ की बात करें, इट्स गोइंग इन लूप्स विद अ कनेक्शन। यू आर लाइक दिस, घूम घूम के वहीं आ जाते हैं। हमने नंबर 8 देखा ना, दैट वो चीज़ चल रही है। सो यू आर लाइक क्लोज्ड ऑफ, आप क्लोज्ड ऑफ हैं, इमोशंस को लॉक पे रखा हुआ है, वही चीज़ चल रही है। एंड आपके जो पार्टनर है, दे वांट टू वर्क इट आउट, वो चाहते हैं इस यू नो लाइक दे वांट टू हैव फैमिली विद यू। एंड ऑल दो एक्ट ऐसे कर रहे हैं कि वो डिस्टेंट है, कोल्ड है, बट दे वांट टू वर्क इट आउट विद यू। ठीक है, एंड वेरी वेरी पैशनेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है। इट्स लाइक इंटेंस पैशन। दिस पर्सन इज़ लाइक योर फैन, दे एडोर यू, दे लव यू एंड दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू। वो वाली एनर्जी हमें एरीज आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। बट आई थिंक लाइक बिहेविंग डिस्टेंट, या एक्चुअली में दूरी है आप लोगों के बीच में। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आई थिंक लाइक कहते हैं ना लाइक दिस, दे वॉन्ट, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे वो बार बार कि दे वांट टू बी विद यू। कुछ के लिए न्यू कनेक्शन भी हो सकता है, न्यू पर्सन, लाइक वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। बट दे वांट टू बी विद यू, ठीक है, समबडी वांट्स टू बी विद यू, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, नाउ व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। आई थिंक यू बोथ विल कम्युनिकेट, आप लोगों की बात ज़रूर होगी, कम्युनिकेशन ज़रूर होगी, बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन लीडिंग नो वेयर। लाइक कम्युनिकेशन तो हो रही है, बट इट्स काइंड ऑफ अ यू नो लाइक एंडिंग। वाई? बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी या बिकॉज ऑफ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन। हो सकता है कि आपके पार्टनर लाइक वो आपको ये कहते हो कि मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, लाइक यू आर नॉट गिविंग मी क्लैरिटी, आप मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहे, आप मुझे क्लियर नहीं कर रहे हो, और फिर वो अचानक से एकदम से यू नो वो चीज़ हो जाए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। वेयर इज दिस रिलेशनशिप, यू नो आई थिंक वही बात है, लाइक यू नीड टू वर्क आउट। आपको इस पर लाइक अगर आप इस पर्सन के साथ चाहते हैं तो यू हैव टू पुट एफर्ट्स, ठीक है, जो कि मुझे नहीं दिखाई दे रहे आई थिंक। एंड somebody wants टू पुट एफर्ट, आप शायद नहीं चाहते हैं या कोई रिकन्सिलिएशन चाहता है, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। सो दिस इज द थिंग वी आर गेटिंग फॉर एरियस, इज लाइक स्टक सिचुएशन, कहीं नहीं जा रही है, वो वाली एनर्जी है। मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंसिस इशूज आ रहे हैं, ठीक है, कि फाइनेंसिस, जो लोग मैरिड हैं आई थिंक उनके लिए इट्स अबाउट ईगो क्लैशेज, और मे बी इट्स अबाउट स्टेपिंग अप, ईगो क्लैशेज आ रहे हैं, और टेस्टिंग पेशेंस, वो वाली एनर्जी नज़र आ रही है, इट्स अबाउट दैट। और या जो लोग सिंगल हैं, व्हाट इज़ कमिंग, आई थिंक इट्स अबाउट, शायद हो सकता है कुछ जो एरीज हैं आपके पास चॉइसेस आ सकती हैं एरीज, जो लोग सिंगल हैं, इट्स अबाउट दैट। और शायद आपको डिसाइड करना पड़े कि क्या करना है, व्हाट यू नो व्हाट, किसको चूज़ करें, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। कि कोई आपको रीच आउट कर सकता है, बट बीइंग ऑन लाइक क्रॉस रोड, कि आपको क्या करना चाहिए, वो वाली एनर्जी हमें एरीज के लिए दिखाई दे रही है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। और क्रॉस, यस ऑफ कोर्स, क्रॉस रोड्स पे, कि आपको
मतलब आगे बढ़ना चाहिए इस रिलेशनशिप में कि नहीं, या क्या करना चाहिए. सो आई थिंक यस एरीज, आपको फर्स्ट डिसाइड क्लियरली व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, आप यू नो व्हाट यू वांट. ओके, करियर वाइज कैसा रहेगा ये जो महीना है एरीज के लिए? आई थिंक कोई नया कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या कोई नया सेटअप करना है, या हो सकता है कोई नया जॉब प्रोफाइल, या कोई मीटिंग हो सकती है, और डेसिग्नेशन चेंज हो सकती है. कुछ तो नया हो रहा है एरीज की, यू नो. यस आई मीन कोई चेंज हो रहा है, कोई पाथ चेंज हो रहा है, फाइंडिंग अ वे फॉरवर्ड. ठीक है, आपने इस पे बहुत मेहनत की है, और इट्स अबाउट सेलिब्रेशन टाइम और गेटिंग अ ऑफर जो आप चाह रहे थे. तो ये सारी चीज़ें हमें एरीज के लिए दिखाई दे रही हैं फॉर द मंथ ऑफ मे. कुछ के लिए हो सकता है न्यू, जैसे मैंने बोला कि नई अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, कुछ के लिए इट्स अबाउट दैट यू आर गेटिंग वेयर यू वॉन्ट टू, जहाँ आप चाहते हैं. प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, इट्स अबाउट दैट कि आपने एरीज के लिए मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि प्लीज़ टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए. इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए, जो करना है खुद करना है, किसी पर बिलीव मत कीजिए. और दूसरा ये स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, यू नो यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग. और जो करना है आपको, डिसीजंस जो लेने हैं वो खुद लेने हैं, चाहे वो ऑफिस है. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू दे आर नॉट हैप्पी कि आप क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं, और मे बी पीपल आर जेलस ऑफ यू, या आपके बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, एंड दे आर नॉट हैप्पी वेयर यू आर और वेयर यू आर गोइंग. ठीक है, सो आई थिंक यू शुड नॉट ट्रस्ट लॉट ऑफ पीपल एरीज. सो मेक इट अ पॉइंट, जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं वो खुद पे लें. ठीक है, एंड टेक अ स्टैंड ऑन दैट एंड देन मूव फॉरवर्ड. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. चलिए एरीज के लिए आप देख लेते हैं गाइडेंस क्या है फ्रॉम एंजल्स. एग्जिस्टेंस, आई थिंक इट्स अबाउट हीलिंग योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. अपने आप को हील कीजिए, देन वी हैव अ न्यू विजन हियर. भाई बहुत मेहनत लगती है जब आप एक इतनी लो एनर्जी से जब आप राइज करते हैं, सो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट. तो आई थिंक पहली बात तो ये कि शायद हो सकता है कि यू आर हीलिंग, आपके जो चक्रास हैं वो हील हो रहे हैं, स्पेशली ऑल द यू नो जो मिडिल चक्रास हैं, वी आर गेटिंग दैट. ठीक है, एंड देन ऑल देन वी आर ऑल्सो हैविंग हार्ट चक्रा, कि अपना हार्ट स्पेस ओपन अप कीजिए. और दूसरा ये कि जैसे मैं बता रही थी कि जब आप कुछ नया करने जाते हैं, जब आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ चेंज करते हैं, तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट. इट्स लाइक कि आप ऐसे एकदम ही यू नो धरती के अंदर, जैसे देखा ना आपने कि एक पौधा होता है, सो इट टेक्स टाइम कि रूट्स, यू हैव टू लाइक पुट लॉट ऑफ एफर्ट, सनलाइट भी चाहिए, उसको पानी देना है, उसको बोना है, जो भी करना है, फिर वो उगता है धीरे धीरे. ठीक है, तो वो एफर्ट्स बहुत लगते हैं. इट्स अबाउट दैट थिंग. तो एरीज आपके लिए सिर्फ ये आपके गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि टेंशन लेने के बजाय, पैनिक होने की बजाय, ठीक है, माइंड में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की बजाय, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इधर मुँह करके बैठे और पीछे दरवाज़ा खुला हुआ है, बट यू आर नॉट लुकिंग बिकॉज आप बहुत बिजी हैं टेंशन लेने में, बिकॉज आप बहुत बिजी हैं माइंड में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में, बिकॉज आप बहुत बिजी हैं पास्ट के बारे में सोचने में. ठीक है, और दरवाज़ा खुला है, ये देखिए आप, दैट इज़ द वे. ये छोटा सा जो दरवाज़ा खुला है ना, वो एक दिन ऐसा, इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन डोर फॉर यू. थिंक पॉजिटिव, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज यू आर गेटिंग एरीज. तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे तो आई थिंक आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, राइट? जो छोटा सा दरवाज़ा जो खुला है, जहाँ से रोशनी आ रही है, जहाँ से आपको ओपन स्काई दिख रहा है, मेक अ वे आउट ऑफ इट. बजाय कि अंधेरे में बैठे रहने से, बजाय कि प्रॉब्लम्स अपने माइंड में क्रिएट करने से, ठीक है, मेक द वे. एंड यस, जब वे की बात हुई है तो आपको पर्पस भी दिखाई दे रहा है. व्हाट्स द पर्पस? ठीक है, इट्स अबाउट हीलिंग योर सेल्फ एंड मूविंग फॉरवर्ड. एंड दूसरी बात ये, डोंट कैरी गिल्ट इन योर लाइक माइंड. ठीक है, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए. डोंट कैरी पास्ट बर्डन्स एंड पास्ट पेन्स.
और यस दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. अपना ख्याल रखिए.